कि हाल ही में आप किसी नई जगह शिफ्ट हुए हैं और अचानक आपके बाल झड़ने लग गए, या रिसेंटली आपने किसी गल्फ कंट्री में ट्रैवल किया है, या किसी ठंडी मौसम की जगह शिफ्ट हुए हो और अचानक से आपके बाल बहुत ज़्यादा टूटने लग गए हो, क्या होते हैं इसके रीज़न, आइए जानते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते, मैं डॉक्टर श्रद्धा काटकर, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, न्यू रूट्स स्किन एंड हेयर क्लिनिक, नागपुर। देखिए, अगर पानी में मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम और उसके सॉल्ट्स जैसे कि कार्बोनेट, सल्फेट्स, क्लोराइड्स, इसकी मात्रा अगर अधिकतर हो तो उसे हार्ड वाटर कहते हैं। इसे जानने का एक सिंपल तरीका है, अगर आप हार्ड वाटर और सोप अपने बालों में इस्तेमाल करते हो तो सोप का झाग नहीं आएगा, उल्टा बाल चिपचिपा लगने लगेंगे। ऐसा पानी पीने से भी आपको भारीपन महसूस हो सकता है। देखिए, हार्ड वाटर का एज सच ओवरऑल हेल्थ पे कोई ऐसा निगेटिव इम्पैक्ट होता नहीं है और ये डायरेक्टली हेयर रूट्स को भी अफेक्ट नहीं करता है। लेकिन क्या होता है, ये जो हार्ड वाटर के सॉल्ट्स होते हैं ये आपके स्कैल्प की त्वचा पे और आपके बालों के लेंथ पे, जिसे हेयर शाफ्ट कहते हैं, इस पे डिपॉजिट होने लगता है और मॉइस्चर को बालों के अंदर नहीं जाने देता। उससे आपके बाल जो होते हैं वो ड्राई, रूखे होने लगते हैं, रफ होने लगते हैं टेक्सचर में। साथ ही ऐसे बालों को अगर आप कोम करने की कोशिश करते हो तो वो टैंगल्ड होके टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये बालों की नमी कम कर देता है, इसीलिए ये स्कैल्प में ड्राइनेस, इचिनेस, इरिटेशन, ऐसी चीज़ें भी कर सकता है। देखिए, अच्छी बात ये है कि हार्ड वाटर का डैमेज हम प्रिवेंट कर सकते हैं और काफ़ी हद तक ये रिवर्सिबल भी हो सकता है अगर जल्दी इसका ट्रीटमेंट शुरू किया जाए तो। इसके लिए काफ़ी कॉमन टिप्स है जो मैं आज आपको बताऊंगी। हमें बस इन सॉल्ट्स को अपने बालों में जमा होने से रोकना है और इसको जितना हो सके अपने बालों से क्लियर करते जाना है या रिमूव करते जाना है। उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, एक थिक वॉल्यूमाइजिंग शैम्पू आप यूज़ कीजिए, क्लैरिफाइंग शैम्पू यूज़ कीजिए, कम से कम हफ्ते में एक या दो बार। बालों को शैम्पू करने के बाद उसको कंडीशनिंग भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, ताकि वो आपके मॉइस्चर को, कंडीशनर रिटेन कर सके, आपके हेयर शाफ्ट को हाइड्रेट कर सके। आप हेड वॉश के पहले ऑयलिंग भी कर सकते हैं बालों में, उससे क्या होगा, ये हार्ड वाटर के सॉल्ट्स एंड मिनरल्स आपके बालों में डिपॉजिट नहीं हो पाएंगे और बाल अच्छी तरह से कंडीशन रहेंगे। बाल धोने के लिए ज़्यादा गर्म पानी यूज़ ना करें, इससे बालों का पूरा मॉइस्चर इवेपोरेट होके बाल डिहाइड्रेट हो सकते हैं। इसीलिए हल्का गुनगुना पानी या पॉसिबल हो तो ठंडा पानी यूज़ कीजिए बालों को वॉश करने के लिए। बाल वॉश करने के बाद उस पर लीव इन कंडीशनर या हेयर सीरम लगाइए, ताकि बालों का मॉइस्चर जो है वो रिटेन हो सके। अगर स्विमिंग पूल का पानी क्लाउडी या मिल्की है तो उसमें स्विमिंग करना अवॉइड कीजिए, और स्विमिंग करने से पहले हमेशा अपने बालों को फ्रेश वाटर से वॉश कीजिए और स्विमिंग के बाद भी शैम्पू करना ना भूलिए। स्विमिंग यूज़ करते वक्त टाइट सिलिकॉन कैप का यूज़ कीजिए, ताकि वो हार्ड वाटर आपके बालों में ना जा पाए। देखिए, बोर का पानी, हैंडपम्प का पानी, कुएं का पानी, ये सब हार्ड वाटर ही है, तो अगर आपको इससे बाल धोने पड़ रहे हैं तो इससे बचना चाहिए। और इसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए बॉइलिंग वाटर का या डिस्टिल वाटर का। वाटर को बॉईल करके अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे लाकर उसके बाद अगर आप हेड वॉश करें तो इसका नुकसान काफ़ी हद तक कम हो सकता है। साथ ही आजकल वाटर सॉफ्टनर्स जैसे कि वाटर प्यूरीफायर्स या RO, ये घर में यूज़ किया जाता है वाटर की हार्डनेस को कम करने के लिए, तो ऐसा पानी आप अपने बालों के वॉश के लिए यूज़ कर सकते हैं। हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने का एक और आसान तरीका है जो पुराने ज़माने से यूज़ होते आ रहा है, वो है फिटकरी का इस्तेमाल, जिसे एलम भी बोलते हैं। अगर आप अपने नहाने वाले पानी में एलम घुमाएं तो आपके सारे जो हैवी सॉल्ट्स है वाटर के वो सेटल डाउन हो जाएंगे नीचे और वो वाटर सॉफ्ट वाटर हो जाएगा, और इससे आप अपने बाल धो सकते हैं। हेयर मास्क या हर्बल हेयर मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं आप स्कैल्प को मॉइस्चराइज करने के लिए, और हेयर सीरम इस्तेमाल कर सकते हैं आप बालों के शाफ्ट पे, जिससे आपकी बालों की खोई हुई नमी वापस आ जाएगी। ज़्यादा हीटिंग अप्लायंसेस जैसे हेयर ड्रायर, हेयर स्ट्रेटनर्स इस्तेमाल ना करें, जिससे और डैमेज हो सकता है आपके हेयर शाफ्ट को। गल्फ़ कंट्री में रहने वाले लोगों ने अपने स्कैल्प पे किटोकोनाजोल एंड कोल्टार शैम्पू का उपयोग हफ्ते में एक बार ज़रूर करना चाहिए, ताकि ये आपके स्कैल्प में चिपकी हुई मिनरल्स एंड इम्प्यूरिटीज़ को अच्छे से एक्सफोलिएट कर सके। साथ ही वहाँ रहने वाले लोगों ने ट्राई करना चाहिए कि वो अपने हेयर शॉर्ट रखें और अपने हेड वॉश की फ्रीक्वेंसी कम से कम रखें। लेकिन अगर आपका स्कैल्प ऑयली है तो आप हार्ड वाटर के बगैर भी प्री शैम्पू कर सकते हैं।
बहुत से लोगों को, खासकर स्टूडेंट्स को जो मेट्रो सिटीज़ में शिफ्ट हुए हैं, उनको भारी मात्रा में हेयर फॉल होने लगता है। उसका एक रीज़न ये है कि टैप वाटर को प्यूरीफाई करने में इस्तेमाल किया जाने वाला क्लोरीन आपके बालों को डैमेज करने लगता है। ये ऑक्सीडाइज होता है ऑन कॉन्टैक्ट विथ एयर एंड सन, और ये आपके क्यूटिकल को डैमेज करने लगता है, आपके सारे बालों के नेचुरल ऑयल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। इससे आपका स्कैल्प, साथ ही आपके हेयर शाफ्ट दोनों ब्रेक होने लगते हैं और स्प्लिट एंड्स फॉर्म हो सकते हैं, और अगर ये स्प्लिट एंड्स ट्रीट नहीं हुए टाइम पे तो ये आपके स्कैल्प और हेयर रूट्स को भी नुकसान कर सकता है। इन सब के बावजूद भी अगर आपको भारी मात्रा में हेयर फॉल हो रहा है और कंटिन्यूस हो रहा है तो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़रूर संपर्क कीजिए। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। थैंक यू।